6 महीने डोली रहती है माँ यम। तो भाई ज्यादा अगर उस दिन पानी आता ना, ये होटल भी जा सकता। कल स्कूटी भी मेरी स्लिप मारी थी, अभी भी स्लिप। स्कूल का नाम क्या है? ये तो अभी गिरा जस्ट लग रहा है। ओए 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 ओए, गाड़ी कितनी जा रही है अंदर। गाड़ी के ना टायर के ना साइड वॉटरफॉल आ गए क्या भाई साहब? चल कैसे रहा ये? पानी कैसे उड़ रहा है? गज्जब रंग उरंग से तो बना रहे हैं। तो आप सामने देख सकते हो भैया डांस, भाई साहब मजा है। इसका आवाज जो है ना, तो 32 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है। गाड़ी का देखो टायर हो चुका लॉक, चूरा निकल चुका बेल्ट का। थैंक यू हेल्प करने के लिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यमुनोत्री। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से यमुनोत्री से दिल्ली। और भाई जो मैं रात को सोया ना भाई साहब, इतना थका हुआ था ना, बाल बाल देख रहा है ऐसे, इसको इग्नोर करना। बाकी टाइम मैं बता दूँ, टाइम हो चुका 5:13 भाई साहब। जल्दी से निकल रहे, बाहर का वेदर आपको मैं दिखा दूँ एक बार। तो हल्की हल्की सुबह होनी स्टार्ट हो चुकी है और लेकिन वेदर साफ है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो ये बेनिफिट है कहीं ना कहीं। और दुकान वगैरह भी खुल चुकी है, तो फटाफट स्कूटी लेते हैं, पेमेंट करते हैं भैया को और निकलते हैं आगे। कोशिश करेंगे वो मंदिर जहाँ जाने की, जहाँ हम कल नहीं जा पाए थे, बारिश होने लगी थी, तो वो भी कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। जैकेट पहनना जरूरी है क्योंकि ना अभी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी बारिश हुई है ना यहाँ पे, ठंड ज्यादा हो चुकी है। और जैकेट फिर रखेंगे बाद में खोल के गाड़ी में ही, और सारा सामान करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। जलेबी लेके आ गया था तो होटल में रखा था, बस इसको गाड़ी में बांधूंगा, कहीं रखूंगा नहीं, कहीं गिर जाएगा पानी। तो निकलते हैं यहाँ से आगे खरसाली की मंदिर। और ये मेरा पूरा भींग तो है, कोई नहीं जींस भी तो भींगी हुई है। जय बजरंगबली लेते हैं, बजरंगबली का नाम। निकलते हैं, मॉर्निंग तो हो चुकी है लेकिन वो मंदिर कोशिश देखता हूँ एक बार चल के देखता हूँ। हाँ जा रहा हूँ, जरा देख रहा हूँ वो मंदिर, देख रहा हूँ मंदिर, अगर देख के आ जाऊंगा। वो बगल से तो जा रही थी बाइक, बाइकें तो निकल ही रही है बगल से, तो चले जाएंगे। और बाकी यही रास्ता टूटा हुआ है, तो यहाँ बगल से ना बाइकें तो चले जा रही है, लोग बाग ले जा रहे थे, तो हम भी चल के देखते हैं मंदिर खलसाली वाला, देख लेते हैं। जमुना जी इतना जोर की आया ना उस दिन, ये पूरा ही लेके ही चला गया। 27 तारीख को शायद बादल फटा था। चल भाई निकल गए, ये देखो पूरा रोड ही चला गया भाई, इतना तेज आया यमुना जी पूरा रोड चला गया। काम स्टार्ट हो चुका है, इधर की तरफ ना गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं आ रही, ना बसेस आ रही ना गाड़ियाँ आ रही है, जिसके कारण यहाँ के जितने भी होटल्स वगैरह ना किसी में लोग नहीं रह रहे। सबसे बड़ी पार्किंग यही है। तो इस तरफ आ गए पुल पार करके, वो लोहे वाला पुल देख रहे हो, वो वाला पार करके आ गए। सब मुझे सुबह सुबह देख रहे हैं इधर किधर आ रहा है। और सुबह निकलने का कारण ये भी ना भाई, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। थोड़ी स्टोरी अपडेट करनी है भाई, आप इंस्टा पे फॉलो वॉलो कर लो भाई, स्टोरियाँ वहीं लगती है। वो रहा मंदिर जहाँ पे 6 महीने डोली रहती है माँ यमुनोत्री की। लगता है यहाँ से पैदल जाने वाला है मंदिर। चलो पैदल ही चल के आके देख के आते हैं, कुत्ता ना काट ले बस, दिक्कत है यहाँ के कुत्ते ना काटते तो नहीं है, लेकिन जब काटते हैं ना तो भगा भगा के काटते हैं। यहीं पे ना डोली आती है 6 महीने यहीं पे विराजमान होती है। करते हैं प्रणाम, एक ले लेते हैं फोटो। सुबह सुबह जब मैं 4:30 का अलार्म डाल रखा था, उठा मैं, कह रहा यार ये बारिश हो रही है, आवाज तो आ रही है लेकिन नदी की आवाज थी। मैं फिर 15 मिनट रुका, मैं कहा देख लेता हूँ। देखा ना भाई साहब पूरा ही सूखा हुआ, मैंने कहा भाई तो निकल फटाफट, पुल पार करके आपको आना पड़ता इधर की साइड। तो भाई ज्यादा अगर उस दिन पानी आता ना, ये होटल भी जा सकता था। ये होटल का देख रहे हो, बस इतना ही मलबा बचा हुआ, ये होटल की प्रॉपर्टी है। पूरा देख रहे हो रोड ही खत्म हुआ, बन रहा है रोड नीचे से ना, पत्थर वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। बाकी बड़कोट जाना 45 किलोमीटर और उत्तरकाशी 125। हाँ अंकल जी हो गए दर्शन। हाँ अंकल जी बाय बाय, अंकल मिलते हैं फिर। ये रहा अपना होटल, होटल न्यू विजयराज। अंकल जी क्या आराम से जाना। तो अंकल जी से रात को इतनी सारी बातें कर रहे थे, अंकल जी कह रहे थे मुझे 24 साल हो चुके बेटा यहीं पे आते हुए, 24 साल। बोला 24 साल मैंने कितने लोगों को देखा। तो अब जो रास्ते स्टार्ट हो गए ना भाई, वो मैं तब मैं इधर की तरफ आ रहा था यमुनोत्री की तरफ, तो वो रास्ते में दिखा नहीं पाया था क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन अब मैं रास्ते दिखाता हूँ भाई साहब, कैसे कैसे रास्ते से आता, ऊपर से हो रही थी बारिश, 50 किलोमीटर पूरे रूट पे हो रही थी बारिश। सुबह की जो हवा कितनी फ्रेश हवा, यानी कौन सा रोड बोल रहे थे टूट गया भैया, टूट गया रोड। यहाँ तो मुझे कोई भी रोड टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, सारे रोड तो सही है। कहाँ से निकलूँ, इधर से निकलता हूँ। मॉर्निंग व्यू कितना सही लगता है ना पहाड़ों पे। बारिश वाला मौसम तो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है आगे मौसम खुला हुआ है, क्या बात है। 50 किलोमीटर में इसी रोड पे आया था भाई साहब, इसमें पानी भाई साहब ऐसे पानी चल रहा था और दिख भी नहीं रहा था, अंधेरा हो गया था, हेलमेट का वाइजर भी मेरा काला था। जो पानी आता ना बरसाती पानी, ये सब रोड खराब कर देता। बहुत बड़ा रिसोर्ट ये देखो, ब्लेसिंग रिसोर्ट, क्लॉथ और रिसोर्ट है इतने हाइट पे। ओ भाई साहब देख रहे हो ग्लेशियर, वो ग्लेशियर है व्हाइट व्हाइट, बादल नहीं है नीचे जो है उसके थोड़े ग्लेशियर है भाई। सही कहते हैं अगर आप चारों धाम यात्रा कर रहे हो ना, अगर आप 50 किलोमीटर यात्रा रह जाती है या 25 किलोमीटर मान लो भाई, स्वर्ग दिखना स्टार्ट हो जाता है। सही कहते हैं भाई, लैंडस्केप क्या पहाड़ हो जाते हैं भाई साहब, ये मतलब कि ऐसे पहाड़ हो जाते हैं ना आपने कभी देखा ही नहीं होगा।
फोटो लेने के लिए। भाई साहब ये देख रहे हो ये पीछे जो माउंटेन है, क्या गजब लग रहे हैं। और टाइम बता दूं 6:20 हो चुके हैं। आगे देखते हैं मैगी खाएंगे यार, बहुत दिनों का मैगी मैंने कल भी नहीं खाया, मन कर रहा था खाने का। आप एक बार आओ, चाहे कार से आओ बाइक से आओ, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा टू व्हीलर जो व्यू मिलता है ना कार में इतना नहीं मिलता है। यमुनोत्री वाली ट्रैकिंग की वीडियो बनाई थी, कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट में बताना। भाई शाम को ये झरना इतना तेज था ना, झरना फ्लो इतना ज्यादा कि पानी उड़ के जा रहा था, उड़ के। गाड़ी भी बोल रही होगी भाई कहाँ लेके आ गया, अब तो पानी में चला रहा, कीचड़ में चला रहा है खाली। छोटे 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 सारे झरने ना, बरसाती झरने, तो मौसम बन चुका है बारिश वाला। निकलते हैं फटाफट तेजी से। तो भैया आगे वाटर क्रॉसिंग, ये कैडी वाली वाटर क्रॉसिंग है। गई बच गई। समझ में नहीं आता ना, पानी में दिखता तो साफ है लेकिन गड्ढा कितना वही नहीं समझ में आता। कोई कंक्रीट की रोड बना दी लगता है यहाँ। देखो रात को पूरा यहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था, पत्थर ना धीरे धीरे ऊपर से गिर रहे थे, मिट्टी 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 आराम से। यहीं पे कल स्कूटी भी मेरी स्लिप मारी थी, अभी भी स्लिप मार रही है। वायर वगैरह टूट गया था कोई जियो का टावर का ना, तभी नेटवर्क नहीं आता यमुनोत्री में। तो वहाँ पे ना रोड कटिंग का काम चल रहा है, वो देख लो जेसीबी वगैरह मशीन वगैरह लगी हुई है। बीच में क्यों बैठे भैया, ऐसे तोड़ दिए ये, पता नहीं घर क्या तोड़ दिया। तो वो देख रहे हो खेत चारों ओर क्या मस्त लग रहे हैं, खेती खेत। और ये झरना देखो, देख रहे हो पानी, यही सी पानी की बात करता, पानी ऐसे उड़ता हुआ जाता है, बरसाती झरना ये। और इसका पानी पहाड़ों पे आता ना धीरे धीरे, अरे 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 देखो पानी कैसे उड़ता हुआ लगेगा। अरे भैया आगे पत्थर गिरने सामने, ओके जी दुर्घटना संभावित क्षेत्र भैया आराम से, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं अपनी एक्टिवा सिख जी के साथ। अब पत्थर गिरने का भय तो है, लेकिन पत्थर तो किन्ने हैं, पत्थर तो रुके हुए, मैं पत्थर गिर गिर के पत्थर ही खत्म हो गए भाई। आगे और भी आपको यूनिक यूनिक चीज दिखाता हूँ। बाकी ये सलस देख रहे हो भाई, इसमें ना बहुत स्लिप मारती है एक्टिवा भाई साहब। ये तो कुछ तगड़ा भूस्खलन वाला क्षेत्र आ गया भाई, ऊपर तक देख रहे हो पहाड़ी, वहाँ पत्थर ही पत्थर है भाई, आराम से नीचे बारिश में। यहाँ से भी गुजरा था कल मैं, समझ रहे हो कहाँ से नहीं गुजरा कल मैं बारिश में, कल नहीं परसों। वीडियो एक्चुअली लेट आएगी थोड़ी, बाकी बच्चों से पूछते भाई कौन सा स्कूल है तुम्हारा, स्कूल का नाम क्या है, कहाँ पे है, कितना दूर है यहाँ से। अरे वाह, 4 किलोमीटर पैदल जाओगे, बादल तो लग रहे हैं ऊपर भी जा रहे हैं बादल। फोर्स की है क्या ये, कौन सी कंपनी की गाड़ी, अच्छी है हाँ फोर्स की, अच्छा नया है। मैगी वैगी खाने की तो बड़ी इच्छाएं हो रही है, लेकिन सारी दुकानें बंद है, भोटिया बाबू भी बैठे हैं अकेले। जगह को छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें भाई साहब, आगे तो पूरा पत्थर गिरा हुआ है। ओहो संभल के चलाना पड़ेगा, ये तो अभी गिरा जस्ट लग रहा है, नया भाई जल्दी निकलो यहाँ से। अरे रोड भी चली गई यहाँ से, तो डैमेज हो गया रोड। अरे बाबा ये काम है, फंस गयो। ये भी झरना देखो, ओए ओए पानी जो उड़ के आ रहा है उड़ के भाई, गजब मजा आता है वाटर क्रॉसिंग, छोटी छोटी आते है ना। कल भी भैंसे यही खरीदी जब मैं आ रहा था, आज भी यही खड़ी है। भैंसों का घर है क्या यहाँ पे, बैरिकेडिंग, किस चीज की बैरिकेडिंग है, थाना बड़कोट पुलिस चौकी पालीगंज, ये कैसा नाम है भाई। मैं जाना यहाँ से विकास नगर, तो विकास नगर 125 बरकोट 20 उत्तरकाशी 81 गंगोत्री 184। यहाँ का रोड चौड़ा है क्योंकि चौड़ीकरण में ये भी आया था ना, अभी भी ना यहाँ के पार स्टेबल नहीं है, गिर ही रहे हैं। 2 लेन की रोड थी तो इसको 1 लेन बना दिया। तो ये नजारा देख रहे हो क्या सही लग रहा है, तो मैं आपको वो व्यू दिखा रहा था, वो व्यू देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है भाई, गजब। कटिंग हो रही थी और यही कहते कि जब मैं नीचे से आ रहा था ऊपर, तो कहते भैया न्यू कटिंग हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि पत्थर गिरेंगे बारिश में। इतना सही लग रहा है ना सुबह सुबह उत्तराखंड के गांव देहात के जो काम धंधे हैं, लोग वहाँ के सब जा रहे हैं। क्योंकि मैं सुबह हर जगह ना मॉर्निंग में निकलता हूँ, मॉर्निंग की जो अलग ही वाइब्स होती है ना भाई, मजा आता वो वाइब्स। गाड़ी कितनी जा रही है अंदर, अरे बाबा मैं कैसे निकलूंगा। चलते हैं चीड़ते हुए निकलते हैं एक्टिवा सिख जी के साथ, पानी में पूरी घुसा देंगे गड्डी हमारी। रोड़े पत्थर पे चला दोगे, अरे जूते में पानी घुस गया। बारिश को तेज स्टार्ट हो, रुक जाओ यहीं पे, यहीं पे रुक के मैगी खा लेता हूँ। मैगी मिल जाएगी ना, एक प्लेट बना दो। फिलहाल फर्स्ट ब्रेक पे खाते हैं मैगी, सुबह से मॉर्निंग में खाएंगे। मैगी पहाड़ों वाली मैगी,
तो यार काफी देर रुक गया मैं, तो गूगल मैप लगा लेते हैं और बताता हूँ रुके से रूट से मैं जा रहा हूँ। निकल गए मैगी वगैरह खा के। भाई मैगी वाले भैया इतना बातोनी थे ना कि गूगल मैप लगा लिया है, और एक्चुअली हमारा जो रूट रहेगा सेम ही रूट रहेगा जाने का भी। वहाँ से आप देहरादून से भी जा सकते हो, बाया रुड़की से भी जा सकते हो सहारनपुर से, लेकिन दोनों रूट मैंने कवर कर रखा है, रुड़की वाला भी देहरादून वाला भी, और काफी बार उस रूट से आना जाना हो रखा है। तो बेकार में फिर वही रूट से मैं मेरठ भी जाऊंगा, फिर वही वाला रूट रहेगा। तो एक काम करेंगे, आज जिस रूट से हम आए हैं ना उस रूट से हम कभी गए नहीं है, विकास नगर का सहारनपुर के बाद फिर शामली होते हुए अपना बागपत होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, तो ये वाला रूट रहेगा। तो 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे, 350 किलोमीटर है, 5:30 बजे में यानी कि पहुंच जाऊंगा, यानी कि 6-8 बजे तक मैं आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगा। यहाँ पत्थर बहुत सारे गिरे हुए, बाकी जैकेट वगैरह खोल लिया, ठंडी हल्की हल्की हवा लग रही है। तो ये आ चुका बड़कोट, काफी घनी हवा दी है बड़कोट के, बच्चे घर द्वार बनना के लोग वाकई। बादल जो होते हैं ना एकदम फॉगी फॉगी वैसा कर देते कभी कभी रोड पे। तो भैया टाइम टू रिफ्यूलिंग पेट्रोल पंप ना पीछे चला गया, फुल 94 रुपए, तेल है 299 रुपए का, 3.17 लीटर, मीटर की रीडिंग है 36850। 25 अगस्त के बाद से ना रूट स्टार्ट हो जाएगा फिर से, लोग वो आने ले जाएंगे। बाकी पहाड़ देख रहे हो भाई साहब, क्या ग्रीनरी लग रही है पहाड़ पे, गजब भाई साहब, गजब वाले पहाड़ लग रहे हैं। ज्यादा हो जाते हैं ना पेड़ पौधे, वहाँ डार्क ग्रीन है, और जहाँ पे घास है वहाँ लाइट ग्रीन है। कुदरत भी ना एक अलग ही पेंट करके चलती है, देख रहे हो। नीचे जाने के लिए भी है लेकिन कच्चा है यार, गाड़ी के टायर कट जाते हैं, ये जो पहाड़ी पत्थर होते हैं ना यार, इससे ना गाड़ी के ना टायर के ना साइड वॉल कट जाते हैं, दिक्कत ही होती है। और देखो वो जो ऊपर देख रहे हो घास का मैदान, उसको बुग्याली कहते हैं, और आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे ना तो एकदम समतल मैदान मिलेगा बुग्याली टाइप का। तो यहाँ पे भी डबल रोड का काम चल रहा है क्या, डबल रोड आ गया पहाड़ों पे भी भैया। ये देखो उस तरफ आने का इस तरफ जाने का, या इस तरफ आने का उस तरफ जाने का, किसी को भी अपना जगह मान लेने का और दोनों रोड बन जाने का। कटिंग का तो काम हो रहा है यहाँ पे, लग रहा है कटिंग चल रही है। तो ये ब्रेक टाइट करवा लो, ब्रेक जो है ना लूज चल रहे हैं, ब्रेक इसके टाइट कर दोगे पीछे वाले। हाँ तो ब्रेक कर दी, करवा लिया टाइट। एक्चुअली ब्रेक तो मैं भी टाइट कर लेता लेकिन मेरे पास प्लास नहीं था, और उसमें ना चूड़ियों में ना मिट्टी बैठ जाती है, वो नट घूमता नहीं, नट पूरा ये वो पूरा ही घूमता है, और वो उसको पकड़ के घुमाना पड़ता है, तो प्लास के कारण नहीं होता। भाई का प्लास था करवा दिया। ओल्ला जाम अरे गाड़ी पीछे कर रो अल्लाह। फिर से कोई आबादी वाला घना क्षेत्र आया है, मिस्त्री बहुत है बाइक के यहाँ पे बैठे हुए, क्या बात है। गौ माता बीच में बैठे हुए हो क्या, जेसीबी बहुत जा रही है इस रूट पे। पुलिस चौकी कैम्प्टी फॉल आ गए क्या। काफी सारे कमेंट्स आए थे वीडियो में भाई साहब, काफी अच्छा लगा मुझे देख के। तो यार ऐसे ही ना कमेंट कर दो, मोटिवेशन सी मुझे मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे यमुना जी बनाती है यू शेप, यानी कि वहाँ से आती है ऐसे जाती है और ऐसे निकलती है। यमुना जी हमारे साथ साथ चल रही है और हम भी यमुना जी के साथ साथ चल रहे हैं, तो हम उसी किसी पहाड़ के ना उधर से घूमते आए हैं। यमुना जल हमारे दोनों साथ में। कौन सा कीड़ा आ गया मेरी गाड़ी पे, ये ग्रीन कलर का देखो, ये कैसा कीड़ा है भाई साहब, चल कैसे रहा ये। अरे वाह, अबे वाह भाई, आए कहाँ से तुम। भाई साहब ये कैसा कीड़ा था भाई, मैं कह रहा ये सांप आप तो ना आ गया, छोटा सा बच्चा। हमारी गाड़ी 27,000 चल जाएगी, 36907 है, यानी कुछ किलोमीटर के बाद हमारी गाड़ी 18,000 किलोमीटर गाड़ी को मैंने चला दिया भाई, मात्र कितने महीने में, 8 महीने में। ये वाटर क्रॉसिंग आई थी उस समय भी और अभी भी आ गई है, बाप रे। उस समय तो मैं गिरने से बच गया था भाई इस वाटर क्रॉसिंग में, ये झरना आ गया भाई। तो यहीं पे मुझे मैं गीला होना स्टार्ट हो गया भाई साहब, इतना तेज है ये झरना। ओहो पानी कैसे उड़ रहा है, गजब। वो भींग गया भाई, भींग गया गोप्रो वगैरह सब भींग गया। कुछ तो बन रहा है नीचे, क्या बन रहा है ये नहीं पता, कुछ सुरंग वुरंग से तो बना रहे हैं। आप सामने देख सकते हो भैया डांस मुद्रा में एक लेडीज डांस करते हुए। अरे वाह अरे वाह, डिच डिच, अरे वाह अरे वाह, डिच डिच, और हल्ला भी मचा रहे हो। उस दिन आता तो पहला वाला गेट खोला था, आज ये दो गेट खोल दिए सब। इतना बड़ा ट्रक भी चलने लगा क्या अब उत्तराखंड में, मैं इसको ओवरटेक कर लूँ ना तो फटाफट, पानी कैसे पहाड़ पे कटेगा भैया। चलो भाई क्रॉसिंग वाटर क्रॉसिंग है। तो काफी तेजी से हम उतरते हुए आ गए नीचे था, चढ़ते समय टाइम लगा। तो दिल्ली है यहाँ से 238 किलोमीटर, पहाड़ी क्षेत्र होता है खत्म और समतल क्षेत्र होता है स्टार्ट, लेकिन विकास नगर हम क्रॉस हो जाएंगे ना तो फिर कुछ 3 या 4 किलोमीटर का फिर पहाड़ी क्षेत्र आएगा। तो आते
समय भी स्कूल की छुट्टी हुई थी, ज्यादा समय भी स्कूल की छुट्टी हुई, यानी कि हम इसी समय पहुंच चुके थे, यानी कि 1 बजे हम यहाँ पे आ गए थे विकास नगर। तो ये आ चुकी है पूरी विकास नगर मार्केट। वहीं से अंकल के पास गया मुझे स्कूटर बजाज चेतक। अरे अंकल एक चक्कर दिखाओगे? अंकल कह रहा है तुझे चक्कर दिखाऊंगा, मुझे चक्कर आ जाएंगे धूप में। तो फिर से आ गया जंगल वाला रूट। भाई जंगल वाला रूट ये कहाँ जा रहे हैं टेंट वेंट लगा के? क्या बात है, पुरानी महिंद्रा थार में टेंट का सेटअप काफी अच्छा लगा देख के। काला धुआं के छोड़ रही है, काला कर दे मुझे। हाँ घर वाले बोले कहाँ से आया काला मुंह करा के। तो उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, यहाँ से हमारी एंट्री होती है उत्तर प्रदेश में। ये बारिश का समझ में नहीं आता ना, बारिश होती है बंद होती है, होती है बंद होती है। फिर से पहाड़ी रास्ते हो गए स्टार्ट, और सब ये बरसात का पानी है। यमुनोत्री आते समय जहाँ पे मैंने कॉफी पिया था ना, वहीं पे सोच रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि उस भैया से पहले भी मुलाकात हुई थी जब हम देहरादून जा रहे थे, और फिर अभी मुलाकात हुई जब हम यमुनोत्री आ रहे थे। तो उन भैया ने कहा था भैया खाना एक बार खा के जाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ वहीं पे खाने की। तो भैया सहारनपुर पहुंच गए। सहारनपुर में भाई भीड़ तो गजब है, साइकिल मार्केट है क्या? वाओ शेर बना रखा है यहाँ पे। हेलो जी, जाम वाले क्षेत्र में घुस गया मैं अपनी गड्डी लेकर। तो भैया आपको दिखाता हूँ यूनिक चीज, ये देखो ये राजदूत। बुट 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 राजदूत, ऐसा मजा है इसका आवाज जो है ना, गोल्ड इज गोल्ड राजदूत। यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे नियारा, ऊपर तक कर देना। तेल आया 370 रुपए का 3.78 लीटर, लीटर की रीडिंग है 370.33। करते हैं पेमेंट और निकलते हैं। पेट्रोल डलवाने के लिए रुका हुआ था ना भाई साहब, जो मैं उतरा स्कूटी पे से, जो मेरे टांगों में दर्द हुआ। अब दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ट्रैकिंग करके जो मैं आया हूँ ना भाई साहब, पूरा मेरे थाई में पैर में भाई साहब गजब का दर्द हो रहा है। मेरे हिसाब से ढाबा ना वाने ही वाला है। हाँ जी हाँ, मिल गया मिल गया, तेरा वो ढाबा आ गया ना। मैं भाई के पास खाना खा के जाऊंगा। तो दे दिया भैया को ऑर्डर सेवी भाजी, पता नहीं कौन सी सेवी भाजी कौन सी भाजी बोल रहा है। मैंने कहा भैया वो बना दो, तवा रोटी खा लेंगे। और टाइम में बता दूं 4:29, और जो है ना आज मैंने 232 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है। जहाँ मैंने मैगी खाने के लिए रुका होता ना मॉर्निंग में भाई, वहाँ से मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी यहीं आके रोकी। और आप कहते हो ना भाई कितनी गाड़ी चलाते भाई, नॉन स्टॉप कितना चलाया भाई, 232 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाया। सुबह 8 बजे मैं निकला था मैगी खा के, और यहाँ पे 4 बजे गाड़ी लेने पेट्रोल डलवाने के लिए रुका। एक बार रुके थे भैया के लिए खाने के लिए। भैया क्या बना रहे हो आज? सेवई भाजी। सेवई भाजी भाई फर्स्ट टाइम मैं भी खाऊंगा। तो आ गई सेवई भाजी। सेवई भाजी कहते हैं भैया, सेव भाजी। तो भैया भैया के यहाँ से लेते हैं विदा। ये व्लॉग इस संडे छोड़ के अगले संडे आ जाएगा। भैया को बाय बोल के निकल गए अपने आगे की डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली की। अब 2 घंटे 34 मिनट लगेंगे, 8 बजे पहुंचूंगा। 115 किलोमीटर है। तो जस्ट अभी अभी बारिश यहाँ बंद हुई है। तो भैया हो गया कांड। कांड क्या हुआ मैं तो आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं रोड का, ये पूरा टायर का निशान, ये मेरे गाड़ी का टायर का निशान है। अब गाड़ी का जो टायर था ना वो यहाँ पे लॉक हुआ है, ये वहाँ पे लॉक हुआ है। पूरा घसीटते हुए घसीटते हुए पूरा टायर इधर की तरफ गाड़ी भगी। वो तो मैंने बोला गाड़ी हो क्या गया, फिर मैंने टायर इधर घुमाया तो गाड़ी इधर की तरफ मूवमेंट मैंने हल्की मारी तब गाड़ी इधर आई। और गाड़ी की हो चुकी है बेल्ट टूट गई है, और गाड़ी का देखो टायर हो चुका लॉक। टायर जो है पूरा ही लॉक हो चुका है क्योंकि अंदर बेल्ट टूट गई है। मैं सोचा इंजन सीज हो गया, लेकिन गाड़ी का इंजन देखो स्टार्ट हो रहा है। तो गाड़ी का इंजन आराम से स्टार्ट हो रहा, टायर जब तक तो घूमेगा नहीं तब तक तो गाड़ी जाएगी नहीं आगे। शुक्र था कि यहाँ बेल्ट टूटी, पहाड़ों पे तो कितनी दिक्कत हो जाती। ऐसे मैं बेल्ट ना इसमें कैरी करता हूँ, बेल्ट ना मैं इसमें लेके चला हूँ। ये रही बेल्ट है ना ये, और ये बेल्ट के टुकड़े देख रहे हो, इसका टायर नहीं घूम रहा ना, टायर जाम हो गया। टायर फ्री हो तभी गाड़ी रनिंग कर पाएगी ना। गाड़ी लेके आए चाबी की, कहाँ से लेके आ गए चाबी? बाकी मिस्त्री से। आपका? मेरा सावेद। सावेद नाम है? सावेद। यहीं पे रहते हो आप? नहीं, मैं मेरे मामा है यहाँ पे। अच्छा मामा रहता है। तो भाई ने खोल दिया पूरा, इसको चूरा निकल चुका बेल्ट का, चेक करके आप टायर घुमा के देखो फ्री है ना टायर। फ्री हो गया टायर ना, तो सही आप ले जाएंगे। चलते हैं आगे मिस्त्री के पास। भाई मोमेंटम बनने में टाइम लगता है यार, धक्का मारने वाली गाड़ी में ना। मैंने भी लोगों भाग के ना बहुत धक्के लगाए हैं लोगों के, तब तेल खत्म हो जाता था गाड़ियों में से, चेन टूट जाती थी काफी। तो भाई देखो जब मदद करते हैं ना तो भैया मदद करने वाले मिल ही जाते हैं आपको भी। कोई तो शहर आया, अब कौन सा शहर है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना है कि बाइक मिस्त्री यहाँ तो हो गई। यही है क्या? बेल्ट टूट गई है। बेल्ट है मेरे पास, वो डाल दो। ठीक है धन्यवाद, थैंक यू भैया, थैंक यू हेल्प करने के लिए। ये वो चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया। दे देते हैं बेल्ट निकाल के, क्योंकि हम तो पता, हम तो बेल्ट वेल्ट लेके चलते हैं ना।
इसकी ये कैची पुली लग के ना दोनों तरफ खुलेगा। एक्चुअली गर्म इतना है ना, ये भाई का हाथ चल ही नहीं रहा है। नट कवर लग जाएगा, अच्छे सारे नट कस देंगे और हमारा काम हो गया। तो काम हो चुका फिट, अब निकलते हैं यहाँ से तेजी से दिल्ली। जैसे ट्रैवल करते हैं मेरा बेल्ट तो एकदम रख लो, बेल्ट तो इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ अब मैं धीरे धीरे ना पाना भी रखना स्टार्ट कर दूंगा। और मुझे क्या लग रहा है ना, बेल्ट टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है ना, नॉन स्टॉप चलाना। तो मिस्त्री को बोलो ना, वो पूछ रहा भाई कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा यमुनोत्री से आ रहा हूँ। विश्वास ही नहीं कर रहा भाई यमुनोत्री से आ रहा बंदा, क्योंकि हर किसी को ना विश्वास ही नहीं होता कि स्कूटी से कैसे कौन इतना लंबा सफर कर सकता है। शायद हम बागपत में आ चुके हैं, दिल्ली अब यहाँ से 38 किलोमीटर की शहरी जीवन में आ चुके हैं। दो दिन खूब मजे किए हमने पहाड़ी जीवन। भाई बोल रहा है उधर मुड़ने के लिए, मैं मुड़ गया इधर, रात को ना दिखता भी नहीं है। तो के चीज की यहाँ पे भीड़ हो गई, इतनी भरभरी बना देंगे R15, कौन अल्लाह कर रहा है ये। तो खड़े हैं लक्ष्मी नगर के रेड लाइट पे, मरे डैडी का सबसे बड़ा प्लांट हमारे यहाँ पे ना पांडव नगर के पास। आना हो तो आना मत, क्योंकि घर नहीं पता ना कैसे आओगे। लगता बारिश हुई है अपने गली में भी, अपने गली का पूरी दिल्ली में बारिश हुई है। चलो पहुँच गया घर बाबा, पहुँच गया घर। तो टांगों में दर्द हो रहा है, वही थाई में तो दर्द हो रहा है। बाकी मीटर की रीडिंग है 37185। बाकी टाइम बता दूं आपको कि हम कितने बजे आ चुके हैं, 8:40 पे घर पहुंच गए हैं।